हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिवाइन यूनिवर्स चैनल में। आज आपके साथ में मैं एक छोटी सी बात शेयर करने वाली हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भोजन पकाते समय किन बातों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, ये आपको वीडियो में समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आप इसे अंत तक देखिए। यदि आप भोजन पकाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके घर में कोई और भोजन पकाता है तो उसे इस बात को जरूर पहुंचाइएगा उस तक, ताकि वो भी इन बातों का ध्यान रख सके। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि यदि कभी कभी हमारा मन बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत अशांत हो जाता है, या हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी रहती है, हम बहुत लो वाइब्रेशन में रहते हैं, या फिर ये होता है कि हमारे अंदर कुछ अजीब से थॉट्स चलते हैं, अच्छी बातें नहीं चलती है, नेगेटिविटी से भरपूर थॉट्स जब चलते हैं, तब भूलकर भी आप खाना ना पकाइए। क्यों? क्योंकि देखिए, खाना पकाते समय हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की। यदि हमें आटा गूंथना है तो भी पानी की ज़रूरत है, चावल पकाते समय भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ तक कि दाल बनाते समय भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे समय में जब आपके अंदर नेगेटिविटी है, आप नेगेटिविटी से भरपूर है, और आप जब ये खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, तो होता क्या है, आपके जो इंटेंशन है वो उस पानी में जाएंगे। इसके पहले मैंने आपको वाटर अफर्मेशन के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पानी किस तरीके से काम करता है। देखिए, जब सारी नेगेटिविटी और सारे आपके जो इंटेंशन है नेगेटिव वाले, जब वो उस पानी में जाएंगे, तो उस पानी से फिर आप खाना बना रहे हैं या आपका खाना बन चुका है, भोजन पक रहा है, तो उसमें सारे इंटेंशन जाएंगे। तो आपको ये बात का ख्याल रखना है कि जब एक पानी, एक पॉजिटिव थॉट, एक अच्छा इंटेंशन जब पानी के अंदर जाता है और जब हम उसे पीते हैं, तो वो हमारे अंदर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से काम करता है, हमारे अंदर वो उसी तरीके से काम करता है जिस जो हमने उसमें इंटेंशन दिया। हमने वाटर से बहुत सारी अपनी विशेस भी पूरी की है, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स उसके अंदर डाला है, बहुत अच्छे इंटेंशन डाला है, उसे पिया है, तो वो हमारे अंदर बहुत अच्छा काम करता है, पॉजिटिव बनाता है हमें और हमारी विश को पूरी करता है। जब पानी इतना कर सकता है ये सारी चीज़ों में, तो जब आप नेगेटिविटी से भरपूर रहेंगे और वो इंटेंशन उसमें जाएंगे, और फिर आप उस भोजन को ग्रहण करेंगे, तो आपके अंदर किस तरीके की एनर्जी जाएगी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब पानी से हम अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, वो हमारे लिए अच्छे इंटेंशन अगर हम डालकर अगर उसे पीते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा काम करता है। तो जब हम नेगेटिव होकर, नेगेटिव इंटेंशन के साथ, नेगेटिविटी के साथ जब हम खाना बनाएंगे, भोजन पकाएंगे, और उसमें जब वो सारे इंटेंशन जाएंगे, तो आपके शरीर पर, आपके मन पर और आपकी लाइफ पर क्या असर करेगा, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि भोजन पकाते समय किसी भी तरह से जो घटनाएं घटती है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट जाती है जो मन को दुखी करती है, तो वो भोजन पकाते समय ऐसी घटनाओं का जिक्र बिल्कुल भी ना करे। या फिर ये होता है कि लोग इसकी उसकी बातें, या फिर किसी की कमज़ोरी की बातें, कि ये उसमें अच्छा नहीं है, वो उसमें अच्छा नहीं है, या किसी, आप समझ रहे हैं ना मेरी बातें, कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, मतलब दूसरों की कमियां निकालते हुए भोजन पकाना, या फिर इससे रिलेटेड ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो भोजन पकाते समय लोग करते रहते हैं, तो ये सारी बातें भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि आपको अच्छा मन बनाना है, अच्छा पॉजिटिविटी से भरपूर रहना है, आपका मन जो है वो शांत रहे, बहुत ही खुश रहे और अच्छा रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप भोजन पकाते हैं, तो या तो गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, ये या फिर कोई भी ऐसे मंत्र जो आपको बहुत पसंद है, हरे कृष्णा का जाप कर सकते हैं आप, या फिर हरे रामा हरे कृष्णा, आप जिस भी मंत्र का जाप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि भोजन पकाने वाले और भोजन खाने वाले दोनों का मन जो रहेगा वो बहुत शांत रहेगा, बहुत पॉजिटिविटी से भरपूर रहेगा, और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। आप इसे करके देखिए, यदि आपके घर में नेगेटिविटी रहती है, आपके घर के लोग जो है वो बहुत चिड़चिड़े हैं, या नेगेटिविटी से भरपूर बातें करते हैं, उनके मन में बिल्कुल भी मतलब अशांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है उन्हें, तो आप प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए, उसके बाद आप देखिए कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग सभी भोजन पकाते समय इन बातों का ख्याल रखिए, अपने घर के लोगों को इस बात से अवगत कराइए, उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।